अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बदर के मकाम पर मस्जिद है जो कि आपको अंदर से व्यू दिखा रहे हैं। हाजी ज़ियारत के लिए जहाँ पर आए हुए हैं। ये पूरा मस्जिद का व्यू दिखा रहे हैं आपको। अंदर हम बैठ जी नहीं वो इधर गए। ये जनाब पाकिस्तानी आए हुए हैं माशाल्लाह। ये जामिया मस्जिद हरीश। ये जनाब आपको दिखा रहे हैं बदर के मकाम पर आपको मस्जिद का एक बाहर का व्यू। ये देखें माशाल्लाह मस्जिद। बदर का वो मकाम जो आप देख सकते हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारी मस्जिद है। ये वो घर जो उस वक्त के यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। ये एरिया आप देख सकते हैं पुराने घरों का जो सिस्टम है। ये आबादी बदर की उस दौर की आबादी है जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की, जब यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे और जंग हुई थी। ये मस्जिद के इस साइड पर जो है ना वो जंग हुई थी। खूबसूरत नज़ारा मस्जिद का आप देख सकते हैं व्यू। इस टाइम बादल वगैरह ऊपर आसमान पर छाए हुए हैं माशाल्लाह। खजूरों के दरख्त वगैरह भी हैं, आगे भी आपको वीडियो में दिखाते हैं। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वो जगह है बदर के मकाम पर रास्ते में हमें नज़र आई है जो कि उस दौर के समझे कि पुराने जमाने के घर खड़े हैं। ये बस्तियां आपको दिखा सकते हैं माशाल्लाह। ये मेरे साथ हाजी भी आए हुए हैं। ये जनाब माशाल्लाह आपको दिखा रहे हैं घर का। हाँ जी, उससे पहले थोड़ा बहुत फर्क हो गया। ये आपको इलाका दिखा रहे हैं माशाल्लाह जो कि बदर के मकाम पर आप आएंगे। रास्ते में ये बस्तियां, ये कोई किला नुमा था, ये छोटा सा किला था जिसके ऊपर आपको एक छोटी सी फिल्म बना के दिखा रहे हैं अभी तक। ये देखें दरवाजे वगैरह उस दौर के खड़े हुए हैं माशाल्लाह। गर्मी की वजह से असल में फोन बंद हो जाता है। ये आपको छत भी दिखा रहे हैं, ये सादे खजूरों के डंडों की बनी हुई छतें हैं।